पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन हाथ में आओ हाथ में आओ हाथ में। पुलिस की निजात अभियान की सफलता पर जेल में विचाराधीन बंदी ने दम तोड़कर दाग लगा दिया है। शुक्रवार को शराब बनाने के जुर्म में गनियारी निवासी उपेंद्र वर्मा की रविवार को जेल में मौत हो गई। इसके साथ ही वह हमेशा के लिए इस दुनिया से निजात पा लिया। खबर के बाद परिवार, समाज और गांव के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस कप्तान कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया, मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। कोटा पुलिस पर 1,00,000 रुपए मांगने का संगीन आरोप भी जड़ दिया। मृतक के परिजनों ने मृतक को निर्दोष बताते हुए प्रशासन से 50,00,000 मुआवजा और नौकरी की मांग की है। मामले में पुलिस की तरफ से बयान आया है कि बंदी की जेल में मौत हुई है, प्रशासन ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मोर यहाँ भाई बुआ के बेटा था, गांव के न्यारी ले झूठे केस में फंसा के महुआ दारू लेके कोटा पुलिस जेल भेज दी और जेल भेजे के बाद बोला प्रताड़ित करे, उन्होंने मारे पीटे हैं, हाथ से लेकर के पैर सब मचोट है और ला के कहा मरचूरी में पाए। 10 तारीख को एक घटना जो उसमें वर्मा को दारू प्रकरण में कोटा थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया था और कोटा थाना द्वारा वह जेल भेज दिया गया। जेल में अचानक हमें कल पता चला कि वो खत्म हो चुका है बिल्कुल हाथ बोले। अभी हम लोग वहाँ पर जाए पोस्टमार्टम कराने के लिए, अभी हम लोग लाश नहीं मिला है, पोस्टमार्टम हो चुका है, जाँच कमेटी तय किया गया है। हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसे परिवार के पालन करना, वही अकेला माँ बंदा था, उसके सिस्टर है जो 33 साल के जो बेड में पड़ी रहती है, वो सब काम बेड में होती है, उन्हें संभाल पा रही है, उसके परवरिश करने वाले अकेला बंदा था। अब हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से उसके उचित मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार वाले को नौकरी दिया जाए। आपको क्यों लगता है कि उसको मारा गया? मतलब जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय स्वस्थ था, उसे परिवार वाले शनिवार की मुलाकात करने गए थे, उससे बात भी हुआ था तो बताया कि पुलिस वाले मेरे को बहुत मारपीट किया करके, उसे सीने में दर्द बता रहा था, सीने में दर्द हुआ था। आज हमने वहाँ पर हम लोग जाकर सीन से देखे तो उसे गले पर निशान था, हाथ में चोट की निशान है, हाथ में पैर में बांध के मारे हैं सर को और उसके मल भी बाहर निकला हुआ था। मारा कहाँ पर गया है कुछ पता है? अब उसको थाने में मारा, थाने में लेके गया है, थाने से जेल ले गया है। अब कहाँ पर मारपीट किया हमें इस पर ज्यादा नहीं है, पर हम लोग जो मौके पर जाकर देखे हैं उसे चोट के निशान था। लाश कहाँ है अभी? अभी मरचूरी में रखे हैं पुलिस अपने। अभी क्या तय किए हैं आप लोग? पोस्टमार्टम करने का हम लोग अपने सपोर्ट करेंगे, तब लोग गवाह लेकर जांच करेंगे और हमारा मांग है जो उसके 50,00,000 का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को नौकरी दिया जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम उचित कार्रवाई के लिए हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। थाना में ले गए, थाना ले चालान कर दी, 1,00,000 रुपया मांगा थे, 1,00,000 रुपया कोनो के सरकार देखा तो कोनो ना गए, हमारे गए रूप का देखा था 1,00,000 रुपया हम धरे हो है, हमारा ना 1,00,000 रुपया रहती तो हाना का करे। कौन मांगा था 1,00,000 रुपया? कोटा थाना वाला, कोटा थाना वाला बिल्कुल हल्का मचा दी मोहल्ला का, पैसा खा खा के धक्का पर कुछ खुदी पावा दे, तब 50,000 दे, 1,00,000 दे, वो तब नियम के अनुसार तो सरकारी आदमी भगवान घर का डेरा के तो जौन खाए की इच्छा तो नियम के अनुसार खा, नियम के अनुसार ले और पोछ हम ले पैसा, भगवान के लाखों कान है बेटा और लाखों आँखी है। आए मैं बोला था वो सुना थे। मैं ये बताओ है? वे पुलिस वाले कब आए थे आपके घर में? शुक्रवार के। शुक्रवार कै बजे? 6 बजे। 6 बजे और लड़का का ले गए, अब शुक्रवार के अंदर कर दी 20,000 रुपया मना मानी गाई दादा हर ओकर मुलाकात करे से सामान आउंदी से शनिवार के और इतवार के लड़का खत्म हो पूरा गला दबा के मारे मोर जेठ के और नाती है हमारे छोटे वाला। कोटा थाना क्षेत्र के गनियारी गांव के एक युवक उपेंद्र वर्मा को शराब बिक्री के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसे जेल दाखिल कराया गया था। जेल में उसकी तबीयत खराब होने के कारण जेल प्रशासन द्वारा सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी जेल में रहने के दौरान मौत हुई है तो उसके विधिवत न्यायिक जाँच का आदेश किया गया है।